वेलकम टू केमेक्स यूट्यूब चैनल। तो हम लोग बेसिकली सीसी क्रॉस कपलिंग रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इसके पहले मैंने ऑलरेडी हेक रिएक्शन के बारे में ऑलरेडी मैंने पहले वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा तो आप वो वीडियो को देखिए। वहाँ पे मैंने बहुत सारे केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया, ट्रिक्स और कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है सब मैंने वहाँ पे डिस्कस किए थे। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आज का जो वीडियो है यहाँ पे हम लोग स्टीले रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर योर अपकमिंग सीस एंड नीट एज वेल एज गेट। तो ये जो वीडियो है यहाँ पे हम लोग पहले बेसिक जो केमिस्ट्री वो पहले देख लेंगे, उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, राइट। तो ये जो बेसिक रिएक्शन है यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, पैलेडियम कैटलिस्ट यूज करते हैं। एंड जहाँ पे हम लोग क्या यूज करते आर एक्स एंड दिस आर कैन बी योर एराइल और विनाइल। एराइल मीन्स कोई बेंजीन रिंग एंड विनाइल मीन्स डबल बॉन्ड लाइक दिस। ऐसा अगर रहेगा तो हम लोग इसको बोलते विनाइल कार्बन। एंड दिस एक्स कैन बी योर हैलाइड और OTF, ठीक है। सो RX एंड जो अनदर कपलिंग पार्टनर होते हैं वो क्या होते हैं R डैश SN, जैसे दिस इज R डैश, दिस इज डबल डैश R3, राइट। दिस कैन बी योर विनाइल और एराइल। और ये जो R होता है ये R कैन बी योर ME3 और यू कैन से μ3, एनीथिंग। सो इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम क्या होता है, हैलाइड और ये जो टीन है इसके बीच में कपलिंग रिएक्शन होता है। उसके बाद हम लोग को क्या मिलता है आर डैश एंड आर डबल डैश, ठीक है। दिस इज द स्टीले कपलिंग जहां पे एक ही चेंजेस है, दैट इज योर दिस कपलिंग पार्टनर SN टीन, ठीक है। तो इसका जो बेसिक मेकानिज्म है वो सिमिलर विथ हेक रिएक्शन, बट यहाँ पे थोड़ा चेंजेस है। तो देखो यहाँ पे सिमिलर वे में पैलेडियम 0 L2 जो एक्टिव कैटलिस्ट होता है फॉर ऑक्सीडेटिव एडिशन के लिए। तो यहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं, वी कैन राइट लाइक दिस वे R1 डबल बॉन्ड R2 एंड देन लेट्स सी हैव अ हैलाइड, ठीक है। हम लोग ऐसे कोई सिस्टम ले रहे हैं, दिस कैन बी दिस पार्ट कैन बी योर विनाइल एज वेल एज एराइल पार्ट। तो ऑक्सीडेटिव एडिशन में क्या होगा, R1 डबल बॉन्ड R2 देन यू हैव अ पैलेडियम L2X एंड दैट विल बी पॉजिटिव 2, राइट। दिस इज 14 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स, दिस इज योर 16 इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज योर ये जो डबल बॉन्ड SN R3 होता है, ठीक है। SN R3 तो यहाँ पे मैं ME3 चूज कर लेता हूं। ये क्या करता है, इसके साथ मेटल एक्सचेंज करता है। दैट मीन्स ये जो ग्रुप है वो अभी क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा और इसका जो हैलाइड है वो इधर आ जाएगा। ये स्टेप को हम लोग बोलते हैं ट्रांस मेटलेशन। तो यहाँ पे क्या होगा R1 डबल बॉन्ड R2 उसके बाद यहाँ पे पैलेडियम L2 यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये X जो है वो इधर आ गया, ठीक है। ओके नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, रिडक्टिव एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में क्या होगा, R1 डबल बॉन्ड R2 एंड देन यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो नया बॉन्ड यहाँ पे जेनरेट हुआ है और यहाँ पे सिमिलरली ये जेनरेट हो गया। तो यहाँ पे एक बात है कि ये जो रिएक्शन होता है यहाँ पे बीटा हाइड्रेट एलिमिनेशन नहीं होता है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है उसका जो बीटा हाइड्रेट एलिमिनेशन का जो रेट होता है वो बहुत ही स्लो होता है विथ कंपेरिजन टू दिस। तो इसका रेट ज्यादा फास्ट होता है, इसलिए यहाँ पे बीटा हाइड्रेट एलिमिनेशन नहीं होता है। नाउ ये जो ट्रांस मेटलेशन होता है ये बेसिकली स्लो स्टेप होता है, ठीक है। ये जो स्टेप है ये बहुत ही स्लो स्टेप होता है और ये जो स्टेप होता है वो बहुत ही फास्ट स्टेप होता है। जो ऑक्सीडेटिव एडिशन होता है वो बहुत ही फास्ट होता है क्योंकि ये बहुत ही रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका बेसिक मैकेनिज्म, ठीक है, स्टीले कपलिंग रिएक्शन के लिए। तो अभी हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, ठीक है। ओके तो अभी अगर हम लोग ये प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे, देखो जो फर्स्ट प्रॉब्लम है यहाँ पे क्या था, तो यहाँ पे हमने क्या सीखा था, आर एक्स
राइट, एक्स कैन बी हैलाइड और ओ टी एफ राइट प्लस उसके साथ हम लोग ने क्या यूज किया था आर डैश एस एन लेट से एम ई थ्री राइट। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है आर आर डैश राइट, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे एम ई थ्री और यू कैन राइट एस एन बी यू थ्री, कोई भी हम लोग यूज कर सकते राइट, इंस्टेड ऑफ एक्स वी कैन यूज क्लोरीन ब्रोमीन ओ टी एफ एनीथिंग। नाउ दिस आर कैन बी योर एरोमेटिक पार्ट और विनाइल पार्ट, सिमिलरली ये भी एरोमेटिक हो सकता है विनाइल पार्ट हो सकता है। तो देखो सेम यहाँ पे हो रहा है, तो जस्ट यहाँ पे कपलिंग रिएक्शन हो जाएगा, वेरी सिंपल रिएक्शन है। तो इस कार्बन के साथ इस कार्बन का कपलिंग होगा, तो हम लोग ऐसे करके इसको ड्रॉ कर देते, ये हो गया डबल बॉन्ड, यहाँ पे देखो सीएच थ्री है, क्लियर हो गया। सो दैट विल बी योर फाइनल आंसर राइट। ओके नाउ फॉर दिस क्वेश्चन क्या होगा, सिमिलरली ये जो पार्ट है इसके साथ इसका कपलिंग हो जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे ये आ जाएगा राइट right? तो यहाँ पे नया बॉन्ड फॉर्म हो गया, दिस इज योर न्यू बॉन्ड, क्लियर हो गया, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। उसके बाद देखो अगर इसको देखेंगे तो देखो ये जो एरोमेटिक एराइल आयोडाइड उसके साथ विनाइल एंड देन टीन पार्ट है टीन एस एन एम ई थ्री, तो क्या होगा यहाँ पे बेंजीन, वेरी सिंपल कपलिंग रिएक्शन। अभी ये जो रिएक्शन है यहाँ पे क्या है देखो ओ टी एफ है ये बॉन्ड, इसके साथ ये जो कार्बन जहाँ पे टीन है उस कार्बन के साथ कपलिंग होगा राइट इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम। अभी जब कार्बन मोनोक्साइड आता है तो क्या होता है ड्यूरिंग दिस कपलिंग रिएक्शन वो कार्बन मोनोक्साइड इन बिटवीन में इनकॉर्पोरेट हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बन मोनोक्साइड इन इंसर्शन। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है डबल बॉन्ड मिथाइल मिथाइल यहाँ पे एक मिथाइल, तो यहाँ पे कार्बन मोनोक्साइड आ जाता है, उसके बाद ये कार्बन आता है कार्बन डबल बॉन्ड एस आई एम ई थ्री, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे क्या क्या इनकॉर्पोरेट हुआ है, दिस इज न्यू बॉन्ड दिस इज ऑल्सो न्यू बॉन्ड, ये कार्बन मोनोक्साइड न्यू आया है और ये भी नया आया है, क्लियर हो गया। सो दैट विल बी फाइनल आंसर। ये जो क्वेश्चन है ये सी एस आई नेट में आया था, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ये क्लियर हो गया। तो ये जो क्वेश्चन है या फिर फर्स्ट स्टेप में क्या है देखो आयोडीन एंड पीरीडीन, तो आयोडीन क्या करेगा जो डबल बॉन्ड है उसके साथ ऐसा कोई ट्राइसाइक्लिक मेंबर रिंग जनरेट करेगा राइट। तो यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन है या फिर हाइड्रोजन है राइट, हियर यू हैव अनदर हाइड्रोजन, तो यहाँ पे दो एसिडिक प्रोटोन है, इन प्रेजेंस ऑफ पीरीडीन क्या करेगा इट कैन टेक्स दिस प्रोटोन एज वेल। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करेगा ऐसे प्रोटोन लेगा, क्लियर हो गया। तो क्या होगा डबल बॉन्ड ओ माइनस आयोडीन आयोडीन। ठीक है, अभी क्या होगा ये इधर जाएगा और ये जो बॉन्ड है ये ऐसे करके ब्रेक हो जाएगा, क्लियर हो गया। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री है। उसके बाद क्या होगा इधर डबल बॉन्ड हो गया यहाँ पे आयोडीन आ गया, दिस इज योर कार्बोनिल। ठीक है, दिस इज द टोटल मैकेनिज्म फर्स्ट स्टेप का। अभी देखो क्या है पैलेडियम है, पैलेडियम क्या करेगा ऑक्सीडेटिव एडिशन करेगा, यहाँ पे अगर हम लोग पैलेडियम पी पी एच थ्री होल फोर डालेंगे तो क्या ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा डबल बॉन्ड हो पैलेडियम एल टू, एल टू मतलब पी पी एच थ्री होल टू, उसके बाद आयोडीन है राइट। अभी देखो टीन आ जाएगा, टीन आगे क्या करेगा ट्रांसमेटलेशन फॉलोड बाई रिडक्टिव एलिमिनेशन, उसके बाद यहाँ पे कपलिंग हो जाएगा डबल बॉन्ड एस एन बी यू थ्री, तो यहाँ पे क्या जेनरेट होगा दिस कार्बोनिल ये आ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, ये दिस इज लुची रिडक्शन, लुची रिडक्शन में क्या होता है जो ये पार्ट होता है कंजुगेटेड जो कार्बोनिल होता है उसका रिडक्शन होता है, बाकी सब पार्ट सेम रहता है। तो इन दिस रिडक्शन रिएक्शन लुची रिडक्शन मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अगर आपको नहीं पता तो वीडियो का पहले देख लीजिए। देन दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सी एस आई नीट एज वेल एज फॉर द गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो यहाँ पर जाएगा वही चीज, सो दैट विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन आया था जो बेसिकली ये स्टीले रिएक्शन के साथ लिंक थे राइट।
तो यहाँ पे एक मिडिल जो स्टेप है वही स्टीले रिएक्शन है, राइट? ओके, नाउ फॉर दिस केमिस्ट्री यू कैन फॉलो कैल्थर एज वेल एज केडन, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.